दोस्तों हाल ही में काजोल और अजय देवगन की बेटी न्यासा देवगन की तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हो रही हैं, जिसकी वजह से न्यासा आज फिर लाइमलाइट में छाई हुई हैं। न्यासा पहले भी कई बार सुर्खियों में छा चुकी हैं, कभी अपनी शॉर्ट ड्रेसेस को लेकर, कभी अपने क्रॉप टॉप्स को लेकर, तो कभी अपनी किसी और हरकत की वजह से। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ नया बताने वाले हैं। हाल फिलहाल में ही न्यासा देवगन की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उस पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि उन्होंने स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट कराया है, तभी वो पहले से ज्यादा गोरी नजर आने लगी हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि न्यासा का रंग पहले से बहुत हल्का नजर आ रहा है। उनकी पहले की और अगर आज की तस्वीरों की तुलना की जाए तो आप फर्क साफ देख सकते हैं कि पहले न्यासा कितनी सांवली हुआ करती थी। जब काजोल बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई थी तब वो भी सांवली थी, पर एकदम से उनकी स्किन भी बहुत गोरी लगने लगी थी। तो लोगों का कहना था कि जो ट्रीटमेंट उनकी माँ ने करवाया था, उनकी बेटी भी आज वही ट्रीटमेंट करवा रही है। न्यासा देवगन इससे पहले भी कई बार ट्रोलर्स के निशाने पर आ चुकी हैं। बॉलीवुड में बाकी स्टार किड्स की तरह अजय देवगन और काजोल की बेटी न्यासा भी मीडिया में हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। न्यासा सिंगापुर के एक कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही हैं। वो भारत में कम ही नजर आती हैं। ऐसे में घर से दूर न्यासा को अजय देवगन और काजोल काफी मिस करते हैं। न्यासा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। न्यासा अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अपने फ्रेंड्स और मम्मी पापा की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। आज न्यासा देवगन महज 16 साल की हैं, लेकिन उनकी तस्वीरों को देखकर ये लगता ही नहीं है कि इनकी उम्र इतनी कम है और उनका स्टाइल किसी बॉलीवुड डीवा से कम नहीं है। न्यासा अपने पिता अजय देवगन के काफी करीब हैं। अजय देवगन अपनी बेटी को लेकर काफी प्रोटेक्टिव भी हैं। न्यासा की हर एक एक्टिविटी पर अजय देवगन की पूरी नजर रहती है और जो लोग न्यासा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रोल करते हैं, उन्हें कई बार अजय देवगन के गुस्से का सामना भी करना पड़ा है। न्यासा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप जो तस्वीरें देख सकते हैं, उनमें वो बहुत बोल्ड अवतार में नजर आती हैं। भले ही उनकी उम्र कम हो, लेकिन वो बहुत शॉर्ट ड्रेसेस पहनने के लिए बहुत फेमस हैं और इसी वजह से कई बार उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है। खबरें तो ये हैं कि न्यासा का कहना है कि वो अपने माता पिता की तरह फिल्मों में नहीं आना चाहती, वो एक वर्ल्ड फेमस शेफ बनना चाहती हैं। न्यासा फिलहाल सिंगापुर में शेफ की ही पढ़ाई कर रही हैं और उनके हाथ का बना खाना उनकी माँ काजोल को खाना बहुत पसंद है। लेकिन जिस तरह से न्यासा का अवतार देखने को मिलता है, वो जितने बोल्ड कपड़े पहनती हैं और जो उनका स्टाइल और पॉइज है, उसको देखकर तो ये जरूर लगता है कि वो जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री करने वाली हैं। और अब जो उनकी ये खबर सामने आई है कि वो स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट करवा रही हैं, उससे तो ये बात और भी पक्की होती हुई नजर आती है कि न्यासा फिल्मों में आने की तैयारी कर रही हैं। इससे पहले भी नवंबर 2019 में जब न्यासा अपने पिता अजय देवगन के साथ एक मंदिर गई थी, तब उन्हें बहुत ट्रोल किया गया था क्योंकि उस समय उन्होंने बहुत छोटे कपड़े पहने हुए थे। लोगों को न्यासा का वो छोटा सा क्रॉप टॉप मंदिर के लिए पसंद नहीं आया, इसलिए लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। न्यासा को कई बार अपने सांवले रंग की वजह से और उनके मेकअप करने की स्टाइल की वजह से भी कई बार ट्रोल किया जा चुका है। अमिताभ बच्चन के घर पर रखी दिवाली पार्टी में भी एक बार न्यासा देवगन को ट्रोलर्स का शिकार बनना पड़ा था। लोगों को उनके कपड़ों के साथ किया हुआ उनका हैवी मेकअप पसंद नहीं आया था। वहीं जब अजय देवगन के पिता की मृत्यु हुई थी, तब भी न्यासा देवगन को एक ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलते हुए स्पॉट किया गया था। इसी की वजह से वो सोशल मीडिया यूजर्स के सामने आ गई थी कि एक दिन पहले ही उनके दादा की मृत्यु हुई है और उसके अगले ही दिन वो ब्यूटी पार्लर चली गई। वहीं न्यासा की एक और फोटो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी और जिसकी वजह से उन्हें यूजर्स ने बहुत ट्रोल किया था। इस फोटो में न्यासा एयरपोर्ट पर स्पॉट की जा सकती है और इस फोटो में न्यासा ने ब्लू कलर की एक हुडी पहन रखी है जो बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन उन्होंने इसे एक ड्रेस के तौर पर पहना है। इस पर लोगों ने उन्हें बहुत ट्रोल किया था कि ये लड़की अपनी पैंट पहनना ही भूल गई है। तो दोस्तों, आपको अजय देवगन और काजोल की बेटी न्यासा देवगन कैसे लगी और क्या आप इन्हें फिल्मों में डेब्यू करते देखना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलूंगी बॉलीवुड की एक और ऐसी ही चटपटी खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।